से रियाज कुरैशी, हम लोग हैं जमालपुर किशनपुर जिला पंचायत 23, जिस पर चुनावी घमासान पूरी तरीके से बच चुका है, चुनावी बिगुल फूक चुका है। सभी प्रत्याशियों ने अपना जोड़ तो राजनीति शुरू कर दी है और वोटरों के यहाँ दस्तक देने का काम शुरू कर दिया है और वोटरों को रिझाने का काम शुरू कर दिया। तो वहीं बसपा से आज अपनी लिस्ट जारी की गई है, नीलम को यहाँ से मैदान में उतारा गया है। उनके पति हैं, उनसे बात करते हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं बसपा से और काफ़ी लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी में काम कर रहे हैं। चलिए उनसे बात करते हैं। दैनिक रुड़की में आपका अध्यक्ष जी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अब बसपा की एक लिस्ट जारी हो चुकी है, एक लिस्ट और जारी होनी है। अभी आपने नामांकन भी भर दिया जोश और खरोश के साथ। नामांकन भरने के बाद अब आप चुनावी मैदान में पूरी तरीके से फील्ड में कूद चुके हैं। नीलम के लिए किस तरह का आपका एजेंडा रहेगा, किस बेस पर आप वोट मांगेंगे? देखिए, हमारी जो जिला पंचायत पहले भी रह चुके हैं और उन लोगों ने विकास कुछ नहीं किया है, तो हमारा सबसे पहला मुद्दा तो विकास पर रहेगा। और कई सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे जल भराव का है, बेरोजगारी का है, बहुत सारे मुद्दे हैं। तो हम उन सब मुद्दों पर काम करेंगे। जैसे हमारी ज़रूरतें हैं, कुछ ज़रूरतें ऐसे हैं जैसे नाले की है, ये है, वो बहुत सारी ज़रूरतें हैं, सड़कों की है, हम उस पर काम करेंगे। और जो हमारे नौजवान लड़के हैं, हमारे यहाँ से इंडस्ट्रीज एरिया है, उन लोगों को, पढ़े लिखे लड़के हैं, वे बेरोजगार है, वे घूम रहे हैं, तो हम उनके लिए भी संघर्ष करेंगे। अभी ननेड़ा अनंतपुर के अनीस अहमद जो जिला पंचायत सदस्य रहे हैं वो भी इस सीट से आ गए हैं, नितिन त्यागी इस सीट से आ गए हैं, तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि सीट में आप कैसे रहेंगे फिर? नहीं, हम अपना तुलना किसी और से नहीं कर रहे हैं, हम तो जीत के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं, बहुत अच्छे वोटों से जीत रहे हैं। हमारे गांव का और जो हमारे तीन गांव और लगे हुए हैं, कौन से गांव लगे हैं? करौंदी, किशनपुर, पुहाना और ननेड़ा, और एक हमारी पंचायत का ही बंदाखेड़ी गांव है, वे लगे हुए हैं। मुझे अपने समाज का और अदर का बहुत बढ़िया समर्थन मिल रहा है और बहुत लोगों के अंदर बहुत उत्साह है, बहुत जोश है कि हम आए मैदान में और हमारे साथ में बहुत समर्थन है। बाहर आप देख रहे हैं भीड़ ऐसे बैठी हुई है हमारे साथ में, तब कि हमारा कोई नाम मिली। दलित समाज से आप ताल्लुक़ रखते हैं, बहुजन समाज पार्टी से आप बहुत टाइम से राजनीति कर रहे हैं, और मुस्लिम वोटर को कैसे रिझाएंगे, कैसे अपनी तरफ खींचेंगे, अन्य बिरादरी को कैसे अपने साथ ला पाएंगे आप? जैसा इस बार, इस जो पिछली बार था, मुस्लिम यहाँ पे जिला पंचायत रह चुका है और उस हमारे जो पिछली बार मुस्लिम समाज के, कई बार मुस्लिम समाज के चलते आ रहे हैं यहाँ जिला पंचायत। मैं पहली बार, मुझे लग रहा है कि मैं जिला पंचायत बनने जा रहा हूँ, जैसे कि मुझे सभी समाज का समर्थन मिल रहा है, मुस्लिम समाज का भी और अदर भी बहुत मिल रहा है, हिंदू समाज का और मेरे समाज का तो बहुत ही समर्थन मिल रहा है, एकजुट होकर मेरे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। और अदर समाज जो मेरे साथ में जुड़ा है उसके पिछले कार्यकारिणी को देखते हुए मुस्लिम समाज मेरे साथ में बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। ये थे हमारे साथ कुमार झबरेड़ा विधानसभा से आदेश कुमार जी, नीलम के पति। नीलम यहाँ से प्रत्याशी हैं, इन्होंने अपनी ताल ठोक दी है। इनका साफ तौर कहना है कि यहाँ पर युवाओं को रोजगार देने के साथ साथ विकास के मुद्दे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। मैं दैनिक रुड़की से अपने साथी योगराज के साथ रियाज कुरैशी।